अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने को सेवाधारी समझो। तुम जो प्रवृत्ति में रहते हो वह भी तो सेवा ही है। अगर घर समझेंगे तो गृहस्थी हो और सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी हो। गृहस्थी को तो चारों ओर से कर्म बंधन खींचते हैं, सेवाधारी समझने से मेरापन खत्म हो जाता है। गृहस्थी में मेरापन ज्यादा होता है और जहां मेरापन है वहां बाप नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, बाबा कह रहे हैं कि गृहस्थीपन नहीं हो, क्योंकि गृहस्थी में मेरापन ज्यादा होता है और जहां मेरापन है वहां बाप नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा, गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो। क्या कहते हैं कि मेरा कहा मानो, मेरा कहा सुनो और मेरे प्रमाण ही चलो। तो जहां हद का अधिकार है वहां बेहद का अधिकार स्वतः खत्म हो जाता है। इसलिए आज से बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगाते जाओ। क्यों क्या ये कहना भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो होता है उसको साक्षी हो देखो। फिर से सुनिए, बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है क्या क्यों कहना। इसलिए जो भी होता है उसको साक्षी हो देखो। लेकिन साक्षी के बजाय किसी भी आत्मा के साथी बन जाते हैं, यानी जो व्यर्थ सुनाता है उसके साथी बनके उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो किसी आत्मा के साथी बन जाते हैं वह परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे? ये तो खंडित योग हो जाता है और खंडित चीज फेंकने वाली होती है। देखो, वह मूर्ति जो पूजा योग्य होती है खंडित हो जाने पर क्या उसकी कोई वैल्यू रहती? इसलिए यहां भी जब योग खंडित हो जाता है तब कोई वैल्यू नहीं रहती। तो सदा के साथी बनो, अखंड योगी बनो, खंडित योग वाले नहीं। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।